इसके अंदर वो बच्चे और चूहे निकले बहुत सारे। सारे से हेलो जी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और वो बैठे अंदर और बताओ, आवाज भी आ रही है, बहुत सारे हैं और पिन्नी बना रखे हैं तब भी अंदर तक। अंदर तक माल बढ़ा रखा तगड़ा ही भाई। आप तो खाना पे बंकर बन रखा है, दही वाला दही वाला जा रहा वापस गया। पिन्नी पिन्नी बच्चे भी हैं। सो गाइस, देखिए अभी जो चूहा हमने दिखाया था इस वाली स्लिप के नीचे था, जो अभी देखिए पूरा खोखला कर रखा है, इसी में बिल बना रखा था अपना। इसी बहुत सारे जो है उसके पीछे हैं। ये वाला कपड़ा यूज कर लो। किसके पीछे? इसके पीछे ये वाला यूज कर लो। ये देखिए गाइस, ये सारे स्लिप के नीचे थे जो हमने कैमरा उल्टा करके दिखाया था ना, स्लिप के अंदर बिल बना रखा था। अभी वो निकाल दिए स्लिप, तो जब निकाली ना एकदम से ये भाग छूटे सारे किचन में। इनकी इस ये बहुत सारे बच्चे थे और चूहे थे, तो जब वो उठाया तो मैं वो क्लिप नहीं ले पाई इसके चक्कर में, क्योंकि इन्होंने भगदड़ मचा दी थी सारे चूहों ने पूरे किचन में। और ये देखिए विपिन और ओम पकड़ रहे हैं और इनको पकड़ पकड़ के कलेक्ट कर रहे हैं एक डब्बे में, और दिखाते हैं आपको कितने सारे चूहे भी पकड़ने के बाद। बच्चा अरे ये रे कितने मैं बताना रही हूँ, मैं परेशान कर दी इन्होंने। अरे दे जा ये देखिए गाइस, विपिन ने आलू को भी चूहा समझ लिया, उसे पकड़ रहा था ना पकड़ पकड़ के वो रखा है। ये देखिए ये पकड़ लिया। अब इसमें बहुत सारे चूहे हैं गाइस, अभी बने रहिए वीडियो में भी सारे मैं दिखाती हूँ आपको सारे। सो गाइस देखिए, ये है उन बच्चों की माँ, जो भी मैंने इतने सारे बच्चे दिखाए थे यही बैठी थी, पट्टियाँ उठाई ना तो ये भाग गई, बच्चे भी भाग गए सारे। और ये अंदर से झांक रही थी जब मैं आपको कैमरा लगा के दिखा रही थी। देखो कितनी तेज़ है ये, कैसे लड़ाई कर रही है। और अभी बच्चों को और इनको मैं बाहर छुड़वाऊँगी सेफली। हमने बच्चों को ना इसको कुछ भी नहीं मारा और ना ही हमने दवाई रखी, तब भी हमें पता थी स्लिप के अंदर चूहे हैं, आवाज़ें आ रही थी जब इसने बच्चे दिए थे। तो ये देखिए दोनों जा रहे हैं छोड़ने गाइस इनको। और यहाँ पे ये पटिया जो है इसको फिर से यहाँ पे देखिए जमा रहे हैं, सीमेंट वगैरह डाल के सारा जमा देंगे, रात रात के लिए रखेंगे, सेट हो जाएगी, सुबह सफाई करूँगी मैं किचन की। अभी तो पानी डालने के लिए मना कर रहे हैं ये, तो अभी पानी का काम भी नहीं होगा कुछ नहीं, तो अभी सुबह ही होगा थोड़ा सा। तो मैं आपसे मिलूँगी गाइस सुबह, इतने ये जम जाएगी। और यहीं से सारी मिट्टी निकाल निकाल के इसने चूहे ने नीचे गिराता था रोज़, तो हमें पता चल गया था कि इसके अंदर चूहे हैं, पर फ्रिज के अंदर का आइडिया नहीं था। गाइस मैं मिलती हूँ। सो गाइस गुड मॉर्निंग, देखिए ये है अगला दिन। और मैंने देखो मोटा मोटा यहाँ से साफ़ कर दी थी, बट ये साफ़ नहीं किया था कुछ भी, आप देख सकते हो कितना फैलारा हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो मैं भी बस अब सफाई में लग जाती हूँ और बहुत टाइम लगने वाला है, पूरा गंदा गंद हुई पड़ी है।
और गाइस पिछला ब्लॉग आप ज़रूर देखना, जो चूहे वाला, जो फ्रिज में जो इतने चूहे मैंने दिखाए उसमें आप देखना जरूर। गाइस देखा आपने कल रात कितने सारे चूहे निकले थे, चूहे तो हट गए लेकिन पूरे में काम फैल गया मेरा। ये देखो ये सारा गंदा हुआ पड़ा, टाइल्स वगैरह सब गंदी हुई, मुझे सुबह से लग रही है और अभी आधा काम चल रहा है। बस ये देखिए मैंने थोड़ा बहुत सामान लगा दिया है, ये सब हटाना पड़ा था यहाँ से क्योंकि ये सारी खोली थी उन्होंने, इसके अंदर वो बच्चे और चूहे निकले बहुत सारे। और फ्रिज का तो हाल आपने देखा ही था मेरा, ये देखिए फ्रिज तो ख़राब ही हो गया है पूरा। तो बस चल रहा है, कूलिंग तो हो रही है पर ये होल कर दिए हैं जगह जगह और गंद फैला रखा है मैंने फ्रिज पूरा, कुछ नहीं रखा हुआ है। बस अभी अब सफाई करके ये दो बर्तन रखे हैं इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। और ये देखिए पूरा ये मलाई का सब काट पीट के रख रखा है चूहों ने। ये देखिए मैं ये रखती थी ना, ये सब काट के झूठा कर दिए थे, ये सब फेंक दिए। मतलब बहुत नुकसान हुआ है इस बीच में मेरा, बहुत नुकसान कराया उन्होंने। जी अब जी मैंने अभी डाली है ताकि अभी पता चल गया कि चूहा नहीं है, तो नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं रख पाती थी इसमें। और ये मेरी मलाई वलाई सब खा के फ्री हुए हैं वो, ये देखिए सब काट दिए मैंने, थोड़ा सा निकाल के ऐसे यूज़ करके रखा, दूसरे दिन देखा तो खाली थे, ऐसे काट काट के उन्होंने खा लिया सब। ना नुकसान किया है ना मेरा, और आज मेरी हालत है ख़राब, सुबह से काम कर करके ये सारे डब्बे वब्बे सब धो धो के लगाए मैंने। इधर ये देखिए पूरा क्लीन किया है, यहाँ से सब में लग गया था, पूरी टाइल साफ करी है। देखिए इस तरीके से वो लग गया सीमेंट वगैरह जब ये निकाले थे ना यहाँ पे बनाया था, और ये नीचे सीमेंट वगैरह सब गंदा हुआ पड़ा है। तो मैं लगी पड़ी हूँ, मेरी हालत आप देख सकते हो, बहुत थक गई हूँ। तो चलिए गाइस मिलती हूँ बाद में मैं सफाई करने के बाद। बहुत भरा हुआ अंदर तक, इधर भी है इसके। और ये कैसे निकलेगा अभी फिर ये वाला। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने एक बार फिर फ्रिज में से ये सारा कबाड़ा निकाल रही हूँ, मुझे लग रहा था इसके अंदर है और निकल ही रहा है क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च मटर वटर सब निकल रही, सब खींच के ले गए थे चूहे। और यहाँ पे ये एक बार फिर से मैं एक बार फ्रिज को साफ़ करूँगी किचन विचन के साथ में तो अच्छा लगेगा। ये देखिए गाइस मैंने सफाई कर दी है पूरी, बाकी और धीरे धीरे होती रहेगी, जितना हुआ मैंने कर दिया है। और अभी 3:30 बज चुके हैं सुबह से लगे लगे मुझे, और बस थोड़ा सा देखिए स्लिप के पास आसपास रह गया है तो ये मैं बाद में करूँगी। और देखिए फ्रिज को मैंने एक बार फिर से वो कबाड़ा वबाड़ा निकाल के मैंने धो दिया है सर्फ से। और ये देखिए सब मैंने थोड़ा सा सामान रखा है, अच्छा लग रहा है। फ्रिज तो ख़राब ही हो गया, बस हाँ थोड़ा कूलिंग कर रहे थे इसका, देखते हैं क्या करना है। और गाइस लास्ट वाला ब्लॉग आप ज़रूर देखना जिसमें मैंने चूहे दिखाए हैं आपको, पूरे फ्रिज में चूहे कैसे दौड़ लगा रहे थे। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।